सुखविंदर कौर जो है उनका ऑलरेडी मतलब 8 साल पहले किसी के साथ जो रिश्ता था, जो शादी थी, उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। और अभी मतलब जो उनका रिश्ता है, जिनके साथ रहती हैं वो उनकी वाइफ एज अ वाइफ रहती हैं, संजीव गुप्ता जी की, जो कि MM मिठाई वाले हैं। और उनके साथ वो मतलब जो भी एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, जो मतलब जैसे रहती हैं वो उनका, उन्होंने वहाँ से तो अपना रिश्ता ऑलरेडी 8 साल पहले तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने संजीव गुप्ता से रिश्ता बनाया, और रिश्ता बनाने के बाद ही वो राधे माँ बनी हैं और MM मिठाई वाले ने उन्हें प्रमोट किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, वो जो बंगले की बात फिर से आकर अटक गई है, आप कोर्ट के धक्के खा चुके हैं, काफी थककर आए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मदद मिल रही है उसको लेकर आपको? देखिए, हमें पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो हमने पहले भी कहा था, और हमें खैर कोई दिक्कत भी नहीं है, जो चीज़ है वो तो सामने आकर रहेगी, ऑब्वियस है। लेकिन पुलिस बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है कि शायद उनको कुछ मालूम नहीं, या फिर हम लोग बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। हम उनसे किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए या कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं तो उनका ऐसा रिएक्शन होता है कि हाँ मैडम कर देंगे, लेकिन उनका ये रहता है कि मैडम को बुलाइए, आप ऑल टाइम मैडम को बुलाइए। उनका कहना है कि रात के वक्त मैडम को बुलाइए, सुबह के टाइम देखिए रात के वक्त कोई नहीं जाता है पुलिस स्टेशन में, हम तो नहीं जा सकते, लेकिन उनका हमेशा ये कहना है कि मैडम को रात के वक्त बुलाइए, और जो भी हमें कार्रवाई करवानी है मतलब पुलिस से जो भी हमें डिटेल्स हम देते जाते हैं, तो वो हम देखिए प्रूफ कौन होता है, इंसान भी प्रूफ होता है, उसने अगर अपनी आंखों से देखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो वीडियो बना के लेकर आए या फिर इमेजेस निकाल कर लेकर आए। तो हम मैं खुद ही इतना बड़ा प्रूफ सामने खड़ी हुई हूँ, लेकिन सबसे वो मुझे से नहीं, जितने भी लोग उनके विरोधी हैं उनसे वो प्रूफ मांगते हैं कि नहीं नहीं आप प्रूफ दीजिए फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो सबसे पहले गलती पुलिस की ही है। सेकंड ये है कि जितने भी आज तक आरोप लगे हुए हैं उसके लिए ना, मतलब ये अच्छा है कि मीडिया उसके लिए आगे बढ़कर बोलता है और बताता है पूरे इंडिया की आवाम को, लेकिन जो भी डिसीजंस हैं उसको हमेशा पेंडिंग रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से, हर चीज़ को आनाकानी करके हाँ आज कर देंगे कल कर देंगे, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और रहा सवाल राधे माँ से रिलेटेड, तो उनकी तो ऑब्वियस शादी हो चुकी है संजीव गुप्ता के साथ, और उनकी बीवी है वो, तो हाँ उनके सपोर्ट में तो ऑब्वियस वो खड़े रहेंगे। तो बस जी जी प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हम 2-3 दिन के अंदर मीडिया के सामने दिखा देंगे कि वो आर्य समाज जो होता है उससे मतलब रहकर वो उन्होंने शादी की है उनके साथ, संजीव गुप्ता के साथ, और उनकी ऐसे वाइफ वो उनके साथ रहती हैं। जी इससे कोई डर लगता है कि राधे माँ कुछ कर देगी या ऐसा कुछ, क्योंकि जो है बड़ा स्टेप लेने जा रही है आप इसको लेकर? देखिए राधे माँ क्या करेगी, मेरा कुछ नहीं कर सकती है वो, और अभी मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अगर शायद मेरा एक भी बाल बाका होगा तो उसका सीधा पॉइंट आउट जाएगा शायद राधे माँ के ऊपर, शायद नहीं बिल्कुल राधे माँ के ऊपर ही जाएगा, संजीव गुप्ता के ऊपर जाएगा। तो मुझे तो हाँ ये है कि पुलिस ने हमसे ये कहा है कि अगर आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पास आ सकती हैं, उसके लिए पुलिस ने हमारी हेल्प की है, और नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता उसमें, कोई वो नहीं है। तो आगे आप पुलिस से किस तरह की मदद चाहती है, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस